दोस्तों, मेरा नाम अनिल गौर है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया था, ठीक है। उसका हिस्ट्री देख ली थी, इतिहास देख लिया था, ठीक है। उसके भाग देख लिए थे कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर इसके अलावा अपन क्या क्या देखा था, उसके सारे फंक्शन देख लिए थे, ठीक है। आपके इनपुट डिवाइसेस क्या होती वो चेक किया था अपन ने, आपका आउटपुट डिवाइसेस देखी थी अपन ने, कंट्रोल सिस्टम देखा था, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखे थे, ठीक है। हार्डवेयर आपको जो देखो छू सकते हो आपका हार्डवेयर थे, सॉफ्टवेयर देखे थे। सॉफ्टवेयर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था, तीन पार्ट होते हैं इसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपन में अपन ने क्या देखा था कि वो स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। क्या क्या बताया था मैंने उसमें, कि आपका ऑन होता है, ऑन होने के बाद में BIOS चिप पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद में सर डिवाइसेस को चेक करता है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल फंक्शन को चेक करता है, उसे क्या कहते हैं आपका प्रोसेस ऑन सेल्फ टेस्ट से प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा उसके बाद, वो बूटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। बूटिंग देखी थी, कितनी बूटिंग होती है आपकी, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था कि और जितना जो काम जो रोम के अंदर चल रहा था वो उसको रैम में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद चेक करता है कि हम ऐसे सब सही ढंग से काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आगे शिफ्ट कर देता है, ठीक है, आपको ऑन कर देता है, और नहीं करता है छुट्टी आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो उसको वहीं पर रोक के उसको शो कर देता है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था कि अपन ने OS देखे थे, कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, पांच प्रकार के थे, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, सिंगल टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। आज अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट OS है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अपने काम में आते हैं, ठीक है। अपन कंप्यूटर चल रहा है अपना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यह आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सबसे पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS था, ठीक है, जिसमें आप काम करते थे, ठीक है। ये तो क्या था आपका, ठीक है, एक तो कोडिंग पे काम करता था, ठीक है, कोडिंग, ठीक है, सिंपल कोडिंग थी इसपे, ठीक है। दूसरा क्या था, ये नॉन ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिक्स नहीं था, सिंपल है ना, उस पर ब्लैक कलर स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर काम करता था, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या था, ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं था, ठीक है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या था, इस पर आप आसानी से काम नहीं कर सकते, इस पर आप छोटे छोटे कोर्स याद रखने पड़ते थे, तो कभी कभी वो स्किप हो जाते थे, तो आपका काम करना बंद हो जाता था, ठीक है। तो क्या था आपका, MS DOS था, जिसमें कोडिंग होती थी, नॉन ग्राफिकल डिजाइनिंग का था आपका, और यूजर फ्रेंडली था, यूजर फ्रेंडली नहीं था, इसका ऐसा बोलो, इट इज नॉट नो यूजर फ्रेंडली, ठीक है, ये था। उसके बाद क्या हुआ आपका, सेकंड प्रोसेस आया, ठीक है, उसमें क्या था आपके, MS विंडोज, ठीक है, MS विंडोज आया, ठीक है। ये क्या कहता है आपका, कोडिंग थी, ये ग्राफिकल था, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली भी था, ठीक है। ये बहुत इजी था काम करने के लिए, ग्राफिकल डिजाइन अच्छे बनते थे इसके ऊपर, पर आपकी भाषा थी इसकी वो बहुत सरल थी, ठीक है, ये था। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए आपके, विंडोज 98, फिर था विंडोज 2000,
फिर कौन सा आया था विंडोज एक्सपी, ठीक है विंडोज 7, और जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है विंडोज 10, ठीक है ये इसके पार्ट थे। ठीक है क्या क्या देखा अपन ने, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे, सबसे पहला था कौन सा था आपका एमएस डॉस था, जिसको आप क्या बोलते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे, ठीक है ये तो कोडिंग होती थी, कोड पे काम करता था ये, ठीक है नॉन ग्राफिकल डिजाइन, नॉन ग्राफिकल था, ठीक है कोई यूजर फ्रेंडली नहीं था ज्यादा, ठीक है उसके बाद उसको अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट ने एक दूसरा बनाया एमएस विंडोज बनाया, ठीक है विंडोज ये क्या था ग्राफिकल थे यूजर फ्रेंडली थे, ठीक है ये इसके उदाहरण कौन कौन सा विंडोज 98, विंडोज 2000, ठीक है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, और अभी जो सबसे ज्यादा वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है आपका विंडोज 10, ठीक है इतना हो गया। ठीक है अगला देखें, ठीक है तीसरा आपका आता है लाइनेक्स, ठीक है लाइनेक्स क्या था आपका ये भी कोडिंग सॉफ्टवेयर था आपका, ठीक है और ये क्या होता था आपका प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है ये क्या हुआ था 1969 में एक कंपनी थी AT&T के कर्मचारियों द्वारा AT&T लैब, ठीक है कर्मचारियों द्वारा वेल लैब के अंदर लैब में बनाया गया, ठीक है और ये किसका इसका मुख्य काम क्या था कि यह प्रोग्रामिंग करने के लिए था, ठीक है अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है उसके लिए क्या था आपका, ठीक है सॉरी तो गलती हो गई, एक यूनिक्स है, ठीक है ये गलती सुधारना मैं चाहता हूँ, ठीक है लाइनेक्स में यूनिक्स है, ठीक है यूनिक्स आपका क्या होता है 1969 के अंदर 1969 में AT&T लैब के द्वारा कर्मचारियों द्वारा बनाया गया था वेल, ठीक है कौन से लैब थी वो वेल लैब, ठीक है इसके अंदर मार्क कर लेना AT&T लैब और वेल लैब, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है और ये किसके लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए था, ठीक है उसके बाद क्या था आपका चौथा लाइनेक्स, ठीक है लाइनेक्स आता है क्या था आपका ये कब हुआ था 1991 में बनाया गया था, ठीक है ये भी प्रोग्रामिंग पर्पस था, ठीक है प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए बनाया गया था ये भी प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए, ठीक है और ये क्या था आपके इसमें सबसे ज्यादा कौन सी प्रोग्रामिंग होती थी आपके ये जैसा सबसे ज्यादा हेल्प करता था आपको सर्वर सिस्टम, सर्वर सिस्टम OS के लिए उपयोगी था, उपयोगी है अभी भी है ना ये, ठीक है कौन कौन सा देखिए अपन MS, ठीक है सबसे पहले अपन क्या थे MS DOS देखा, ठीक है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है फिर अपन MS Windows देखा यूजर फ्रेंडली और ग्राफिकल, ठीक है फिर अपन देखा यूनिक्स देखा, ठीक है कब से 1969 AT&T कर्मचारियों के द्वारा, ठीक है वेल के अंदर बनाया गया था, ठीक है फिर अपन देखा लाइनेक्स देखा जो 1991 के अंदर बना था प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए बनाया था, ठीक है और इसके क्या था इसका आपका सर्वर सर्वर सिस्टम के ओएस के लिए काम करता था, ठीक है इतना ओके बात करें तो आपको पूरा ओएस खत्म होता है, ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ा था अपन ने, ठीक है क्या क्या देखते हैं कैसे कंप्यूटर चालू होता है कैसे कंप्यूटर काम करता है उसमें कैसे प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है वो सब कहा था किसमें था आपका ये सारा OS का था, ठीक है तो अपन थोड़ा सा पार्ट देखते हैं किसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उसमें, ठीक है
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या था, आपका टेक्स्ट एडिटर था, कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था, ठीक है, ये होता है। एक इसका भाग आता है आपका, क्या आता है, ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है आपका, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डबल में बोले, इसके द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर की मशीनरी या मशीनरी मशीनरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका ट्रांसलेटर, क्या कहता है, इसके द्वारा जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है ठीक है, उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं आपके, ठीक है, पहला पार्ट होता है आपका असेंबलर। असेंबलर ठीक है, असेंबलर होता है। ठीक है, असेंबलर क्या कहता है आपका, इसके द्वारा जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कौन सी भाषा को, असेंबली भाषा को आपको, ठीक है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसका फिर अगला भाग आता है, क्या आता है वो, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर दरअसल क्या करता है आपका, जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ होता है ठीक है, उसमें क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम में करता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ, जो थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ उसको एक ही बार आप पढ़ लेते हैं, तो उसको जो एरर होती है ठीक है, वो उसको शो कर देता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को पूरा एक ही बार में पढ़कर उसमें से त्रुटि या एरर निकालना। ठीक है, ये क्या कहता है कंपाइलर, ठीक है, किसी प्रोग्राम को पूरा पढ़ के ठीक है, हाथों उसी करके से एरर निकाल देता है। ठीक है, फिर देखा आप हमने इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, आपको उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इतना है समझ में। ट्रांसलेटर क्या करता है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है आपका, ठीक है, कि है ना जो असेंबली लैंग्वेज होती है ठीक है, उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, कंपाइलर होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको एक बार पढ़ के ठीक है आंसर दे देता है। ठीक है, और अब देखते हैं अपन इंटरप्रेटर, जो आपका सी होता है, तीसरा पार्ट, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर ये क्या करता है आपका, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय
भाषा में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। एक तो हो गया इसका, ठीक है। दूसरा क्या करता है, यह प्रोग्राम का, प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़कर उसमें से त्रुटि या एरर निकालता है। कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरा प्रोग्राम होता था, ठीक है, तो उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है, फिर एरर निकालता है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। वो ये करता है, प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़कर उसमें से त्रुटि एरर निकालता है, उसके बाद पश्चात प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपन पहले तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट देखे, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि ट्रांसलेटर देखा, ट्रांसलेटर के अंदर क्या, ट्रांसलेटर क्या करता है आपका, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा होती है, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अपन करेंगे असेंबलर देखा, असेंबलर क्या कर रहा है आपका, जो आपका असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली भाषा होती है कंप्यूटर की, ठीक है, उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि इसमें देखा अपन ने कंपाइलर की, कंपाइलर क्या करता है, आपको जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा होता है, वो क्या करता है, उसको एक ही बार पढ़ लेता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एरर छूट जाती है, ठीक है, वो माइनर एरर होती है, छूट जाती है, ठीक है, तो उसको पढ़ के, ठीक है, उसके बाद में जो भी होता है प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, जो आप उच्च स्तरीय भाषा होती है, ठीक है, उसे निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है, चेक करता है, और उसके बाद में कोई त्रुटि या एरर होती है तो उसको सही करने में मदद करता है, नहीं तो उसको आगे एग्जीक्यूट कराने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। इतना है समझ में, अब आगे देखते हैं अपन। अब एक कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, ये एक तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है। क्या होता है आपका, कंप्यूटर को सुचारू व व्यवस्थित रूप में चलाने में मदद या उपयोगी होता है, ठीक है, व्यवस्थित रूप में चलाने में मदद होता है। इसके भी कुछ भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन सा हो गया आपको, डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है, पहला भाग क्या होता है आपका, डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका
आर्टिस्ट होती है ठीक है, जो क्या करते हैं आपको प्रोग्राम चलाने के अंदर उसको अनुकूल बनाने में मदद करती है ठीक है। तो क्या होता है आपका डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होती है आपकी, इसके जो हार्ड डिस्क होती है हार्ड डिस्क व प्रोग्राम को ओएस के अनुकूल काम करने में मदद करती है। ठीक है, क्या होता है डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होती है, हार्ड डिस्क को और प्रोग्राम को ओएस के अनुकूल काम करने में मदद करती है ठीक है। अगला क्या होता है इसका डिस्क क्लियरेंस, डिस्क क्लीनर ठीक है। डिस्क क्लीनर क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनवांटेड या अननेसेसरी अवांछित फाइल्स होती है ठीक है, वो उनको हटाने में मदद करती है ठीक है। कैसा कंप्यूटर में अवांछित और अननेसेसरी फाइल्स को हटाने में मदद करती है ठीक है। क्या होता है आपका डिस्क में क्या होता है जो अवांछित और अननेसेसरी अनवांटेड जो जो फाइल और काम नहीं होता है ठीक है, और जो बिना मतलब आपकी जगह के रहने होती है जगह का यूज करनी होती है ठीक है, उनको हटाने में मदद करती है। इतना हो गया, अगला देखें एक होता है आपका बैकअप प्रोग्राम ठीक है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है आपका कंप्यूटर में उपलब्ध सूचना व डाटा को संचय या सेव करके सेव करने का कार्य करता है ठीक है। बैकअप प्रोग्राम क्या करता है आपका, क्या आप कोई भी काम कर रहे हो ठीक है, प्रोग्राम हो गया, फाइल्स हो गए, कोई डिजाइन हो गया ठीक है, उसको आपने सेव कर दिया ठीक है, उसको लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखने का काम कौन करता है आपका डिस्क, आपका बैकअप प्रोग्राम करता है ठीक है। अगला पार्ट आता है इसका डिस्क कमरे डिस्क कंप्रेशन क्या करता है आपका कि अगर कोई भी फाइल होती है जिसका साइज अगर बहुत ज्यादा है ठीक है, तो उसको कम करके सेव करके रखने का काम करता है ठीक है। ये क्या करता है सूचना या डाटा को छोटा और कंप्रेस करता है ठीक है। डिस्क कंप्रेशन क्या होता है आपका सूचना या डाटा को छोटा और कंप्रेस करता है ठीक है। इतना आपने कौन कौन से देख लिया, आपने डिस्क फॉर्मेटिंग देखा, डिस्क फॉर्मेटिंग आपका क्या काम करता है हार्ड डिस्क को प्रोग्राम को ठीक है ओएस का अनुकूल चलाने का काम करता है ठीक है। फिर डिस्क क्लीनर देखा
कि जिनमें अनवांटेड या अनवांछित या अननेसेसरी ठीक है फाइल्स होती है ठीक है प्रॉब्लम तो उनको हटाने का काम करता है। बैकअप प्रोग्राम देखा, बैकअप क्या करता है आपका कोई भी डाटा होता है सूचना होती है उसको सेव लंबे समय तक सेव करके रखता है ठीक है। और आपका डिसकंप्रेशन क्या होता है आपका कि ना कोई भी डाटा होता है कोई सूचना होती है ठीक है बहुत ज्यादा साइज होती है तो उनको छोटा करके रखने का काम करता है ठीक है। फिर अगला क्या होता है आपका वायरस स्कैनर ठीक है। वायरस स्कैनर क्या होता है ठीक है इसको एंटीवायरस भी बोलते हैं ठीक है। और ये क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होती है उनमें कभी कभी ना बाहरी से कुछ ना अनवांटेड फाइल आ जाती है जो अननेसेसरी फाइल आ जाती है जो क्या करती है कंप्यूटर के फाइल्स को ना खराब करने कर देती है या उनको डिलीट कर देती है ठीक है हम काम नहीं करने देती तो उसको क्या करता है उसको निष्क्रिय करता है ठीक है। क्या होता है इसे एंटीवायरस भी कहते हैं ठीक है। और क्या कहता है कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर में फाइल और डाटा को बाहरी वायरस या वायरस से बचा कर रखता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है ठीक है। क्या होता है आपका वायरस स्कैनर ठीक है इसको एंटीवायरस भी कहते हैं ठीक है। और ये क्या करता है आपका जो बाहर बाहर जो बाहर बाहरी तरफ से कभी पेनड्राइव से इंटरनेट से कुछ वायरस आ जाते हैं तो उनसे अपने जो कंप्यूटर में उपस्थित जो फाइल होती है जो सेव फाइल्स होती है ठीक है उनको सेव करके रखने का काम करता है ठीक है। क्या क्या देखते हैं अपन वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है कौन कौन सा होता है ठीक है। एक तो था आपका एमएस डॉस था एक को कौन सा था एमएस विंडोज था ठीक है। एक आपका था यूनिक्स था एक आपका लिनक्स था ठीक है। ये अपन ने देख लिया था ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था अपन ने देखे थे ट्रांसलेटर देखे थे ट्रांसलेटर ठीक है। ट्रांसलेटर क्या काम करता है आपका प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है ठीक है। इसके अंदर अपन क्या क्या देखा था अपन ने देखा था असेंबलर असेंबलर दूसरा क्या देखा था कंपाइलर ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या देखा है इंटरप्रिटर इंग्लिश में लिख सकते अपन असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रिटर ठीक है। ये अपन तीनों सारी चीज अपन देखी थी ठीक है। इसके अलावा अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था ठीक है। उसको क्या क्या बताया था अपन ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी
इसके अंदर क्या क्या देख लिए थे, ठीक है। इसमें देखा था अपन ने डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, ठीक है। फिर क्या देखा था अपन ने, ठीक है, देखा था बैकअप प्रोग्राम, ठीक है। फिर अपन क्या देखा था अपन ने, ठीक है, इतना देख लिया था, डिस्क फॉर्मेटिंग देखा था, डिस्क क्लीनर देख लिया था, ठीक है, बैकअप प्रोग्राम देखा, ठीक है, और क्या देखा अपन ने, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है। और क्या देखा अपन ने, वायरस स्कैनर, वायरस स्कैनर, ठीक है। यार अपन क्या क्या पढ़ा, ठीक है, अपन ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ट्रांसलेटर देखा, ठीक है, इसके अपन ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखा, ठीक है, एमएस डॉस क्या था आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, नॉन ग्राफिकल था, ठीक है, नो यूजर फ्रेंडली भी नहीं था, ठीक है। एमएस विंडोज देखा, विंडोज आपका क्या था, ग्राफिकल डिजाइन का था, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। इसके उदाहरण कौन कौन से, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 7, ठीक है, आपका विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, ठीक है, और दूसरे सबसे ज्यादा चल रहा है कौन सा आपका, विंडोज 10 हो गया, ठीक है। उस पर आपने कैसे कहा, यूनिक्स देखा था, ठीक है, यूनिक्स कब बना था, 1969 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, किसने बनाया था, AT&T की कंपनी थी, ठीक है, उसके कर्मचारी ने एक वेल लैब के अंदर बनाकर तैयार किया था, ठीक है, वो क्या प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए था, ठीक है, लाइनक्स के अंदर लाइनक्स देखा, ठीक है, 1991 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, और इसके भी प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए था, कि सबसे ज्यादा कहां पे काम आता था, सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए काम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, कुछ ट्रांसलेटर देखे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मशीन आपका जो है ना, कंप्यूटर आपका सिंपल भाषा समझता है, ठीक है, मशीन की भाषा समझता है, ठीक है, तो आप जो उसको भाषा देते हो, ठीक है, उसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या था आपका, प्रोग्रामिंग भाषा को, ठीक है, आपका किसमें, मशीनी भाषा में कर रहा था। असेंबलर क्या था आपका, असेंबली भाषा को प्रोग्रामिंग मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर क्या करता है आपका, कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको पूरा पढ़ता है एक ही बार में पढ़ के, फिर उसको आना आगे एग्जीक्यूट करता है, अगर कोई त्रुटि होती है, एरर होती है, उसको शो कर देता है, ठीक है। इंटरप्रेटर देखा था आपने, ये क्या करता है आपका, ठीक है, ये उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है, ठीक है, फिर आगे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं, जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें मदद करते हैं, कौन कौन से, देखो डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है, आपका जो हार्ड डिस्क होता है, प्रोग्राम होता है, उसको ओएस अकॉर्डिंग हो जाता है, डिस्क क्लीनर क्या होता है, ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स डिलीट कर देता है, ठीक है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई डाटा होता है, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखने का, ठीक है। डिस्क कंप्रेशन होता है कि जो फाइल्स बड़ी बड़ी फाइल्स होती है उनका छोटा करके सेव करने का, ठीक है। और उसको क्या होता है, वायरस स्कैनर, कि ना कोई भी जो बाहर की ओर से कोई ना डाटा आ जाता है, कोई ना अवांछित फाइल आ जाती है, उनको स्कैन करता है, उसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। आज का इतना समझ में आया, आज का इतना बहुत है, ठीक है, बाकी अपन देखेंगे कल, मुझे याद दीजिए, नमस्कार।